सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई एंड इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा GFX टूल जो आपके मोबाइल में अगर एंड्रॉयड 11 अपडेट है तो उसमें फुल्ली एकदम मस्त वाला वर्क करेगा, और अगर एंड्रॉयड 10 है तो भी शायद तक वर्क करेगा। तो बिना किसी देरी के आप वीडियो को आगे बढ़ाइए, लेट्स प्ले। तो गाइस, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी इसी GFX टूल के बारे में, तो वो पबजी मोबाइल के लिए थी, और अब इसमें आ चुका है BGMI का अपडेट। तो आप देख सकते हो मेरे ग्राफिक्स अभी स्मूथ अल्ट्रा पे है, और अब मैं इसको करने वाला हूँ 60 FPS पे। तो सबसे पहले आपको जाना है आपके मोबाइल में प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है GFX टूल। GFX टूल सर्च करने के बाद आपको नीचे आना और सी ऑल रिजल्ट्स पे क्लिक करना है। तो आप यहां पर देखोगे GFX टूल फॉर पबजी फ्री फायर, इस पर आपको क्लिक करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे फीचर है, GFX है, असिस्ट है, बूस्टर है, और आप इसमें निक नेम भी आपका अच्छा सा बना सकते हो। तो इसके लिए कस्टमाइज सेटिंग आप देख लीजिए। रिजोल्यूशन आपको रखना है डिफ़ॉल्ट पे, ऑन करके इसको डिफ़ॉल्ट पे कर देना। ग्राफिक्स आपको रखना है स्मूथ। FPS अगर आपका 90 FPS सपोर्ट करता है तो ही रखना, बाकी आप 60 FPS कर सकते हो, अच्छा चलेगा। बाकी सारी जितनी सेटिंग्स हैं इनको NTLR डिसेबल, स्टाइल कलरफुल क्लासिक जो चाहे आप रख सकते हो। रेंडरिंग क्वालिटी आपको हाई रखनी है, शेडो आपको डिसेबल रखना है, और बाकी टेक्सचर क्वालिटी, इफेक्ट क्वालिटी इनको आप, अगर आपका लो एंड डिवाइस है तो आपको लो पे क्लिक करना है, बाकी आपको डिफ़ॉल्ट रहने देना है ताकि आपका कुछ भी गेम प्ले बिगड़े ना। और बाकी सारी चीज़ें इनको सबको डिफ़ॉल्ट रहने देना है आपको। डिटेल मोड, लाइट इफेक्ट, इनको अगर आपको लो एंड डिवाइस के लिए लो कर देना है, बाकी आपको ग्राफिक्स API पे डिफ़ॉल्ट ओपन GL पे क्लिक करना है। GPU ऑप्टिमाइजेशन आपको इनेबल रखना है, और सेव कंट्रोल्स आपको इनेबल रखना है, वरना आपके कंट्रोल्स बिगड़ जाएंगे गेम में। तो आप, अब मेरा हो चुका है 60 FPS, तो अब मैं रन गेम पे क्लिक करूँगा और मेरा गेम यहाँ पर ऑन हो रहा है। और मैं आपको एक, सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि मेरी सेटिंग्स एक्सट्रीम अनलॉक हो चुका है, जो कि आप देख सकते हो ग्राफिक्स स्मूथ अभी तक अल्ट्रा था, अब एक्सट्रीम 60 FPS मेरा अनलॉक हो चुका है। अब मैं इसके साथ आपको एक TDM गेम प्ले खेल के दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा 60 FPS और 40 FPS में कितना अंतर आ जाता है। इसके बाद मैंने एक कंपेरिजन भी डाला, तो वो भी आप ज़रूर देखना। तो गाइस, आप यहां पर कंपैरिजन दे सकते हो। एक तरफ है 40 FPS जो कि मैंने इस GFX को लगाने से पहले रिकॉर्ड किया था, और एक तरफ है 60 FPS जो कि GFX लगाने के बाद मैंने रिकॉर्ड किया है। तो आप पूरा डिफरेंस देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, और मेरे को शायद तक आपको पता नहीं चल रहा होगा वीडियो में, बट आप जब ट्राई करोगे इस GFX टूल को और आपके मोबाइल को 60 FPS करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना डिफरेंस आ जाता है। तो आई होप आपको ये GFX टूल पसंद आया होगा, एंड इससे रिलेटेड जो मैंने ये वीडियो बनाई ये भी आपको ज़रूर पसंद आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे कर दो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिल सके जैसे ही मैं वीडियो डालूं। तो और BGMI से रिलेटेड आपको कोई सी वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।